गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली पुलिस ने गश्त के दौरान मिली सूचना के आधार पर चोरी की बाइक चला रहे युवक को पकड़ा। इसके बाद पूछताछ और निशानदेही बाइक चोर गिरोह के दो अन्य युवकों को गिरफ्तार किया गया। गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सोमवीर सिंह ने बताया कि मंगलवार को पुलिस मेरठ रोड पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के मकसद से गश्त कर रही थी। इसी बीच एक बाइक पर संदिग्ध युवक के आने की सूचना मिली, जिसको लेकर पुलिस सतर्क हो गई और वाहन चेकिंग करना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक बाइक पर युवक आता दिखाई दिया, जो पुलिस की चेकिंग को देखकर वापस जाने लगा। पुलिस को उसकी गतिविधियों पर संदेह हुआ और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। चालक से बाइक के दस्तावेज मांगे गए तो वह नहीं दिखा पाया। इसके बाद पुलिस बाइक समेत युवक को कोतवाली ले आई, जहां पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम दीपू उर्फ दिनेश वर्मा निवासी अमरपुर थाना किठौर जनपद मेरठ बताया। वहीं आरोपी ने बताया कि उसके साथ गिरोह बनाकर सागर निवासी मुंडाली जनपद मेरठ और सोनू निवासी गांव जनपुरा गढ़ भी बाइक चोरी करते हैं। कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया, जिनकी निशानदेही पर चोरी की गई 3 बाइक और बरामद की गई। पुलिस द्वारा पूछताछ में आरोपियों ने कबूल करते हुए बताया कि वे दिल्ली NCR क्षेत्र के फार्म हाउस, बारात घर और कोचिंग सेंटरों से बाइक चोरी करते हैं और उनके पार्ट्स निकाल कर बेचते हैं। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि तीनों आरोपियों पर बरामद हुई चोरी की बाइकों के मामलों में मुकदमे दर्ज किया गया है। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हापुड़ हलचल।